अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मैं और मेरा नाम है इमरान। हम आपको शामदेद कहते हैं पाक क्रंच के एक नई एपिसोड में, और आज हम डिस्कस करेंगे FAQs। फर्स्ट क्वेश्चन वी रिसीव्ड इज हाउ कैन पेमेंट्स बी कलेक्टेड फॉर माय ब्लॉग इफ आई लिव इन पाकिस्तान। ये डिपेंड करता है आप कौन सी एड सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे एडसेंस वेस्टर्न यूनियन और चेक सपोर्ट करता है, तो आप उन दोनों में से किसी भी मेथड से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा बहुत सी जो पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं वो पेपैल या चेक सपोर्ट करती हैं या वायर ट्रांसफ़र, तो बेहतर ये होता अगर आपकी मतलब अमाउंट ज़्यादा अर्न करें लाइक मोर देन $400-500, तो आपको वायर ट्रांसफ़र की ऑप्शन होगी, तो वो ईजी रहती है क्योंकि यू गेट द मनी इन टू डेज डायरेक्ट टू योर अकाउंट। चेक्स का मसला ये होता है कि समटाइम्स यू नेवर गेट द चेक्स बिकॉज ऑफ सम मेलिंग इशूज, सो आई मीन आई हैव नेवर रिसीव्ड अ चेक डिस्पाइट गेटिंग इट लाइक टू और थ्री टाइम्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज, तो उसे प्रेफर नहीं करना चाहिए। और पेपैल का ये प्रॉब्लम है, पेपैल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो अगर अनलेस यू गॉट सम रिलायबल फ्रेंड और कजन और रिलेटिव लिविंग समवेयर वेयर पेपैल इज अवेलेबल, यू शुड अवॉइड इट। सो बेस्ट मेथड्स जो हैं वेस्टर्न यूनियन है, वायर ट्रांसफ़र हैं, और उसके बाद अगर चेक आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर ट्रैकबैक्स रियली इफेक्टिव। ऑब्वियसली ट्रैकबैक्स आपकी ब्लॉग के लिए बहुत मैटर करते हैं। जो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिदम है वो जो वर्क करता है वो मोस्टली ट्रैकबैक्स पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग है जिसका पेज रैंक आपसे ज़्यादा है, तो अगर वो ब्लॉग अगर आपको लिंक बैक करती है तो उससे आपके पेज रैंक पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पेज रैंक को थोड़ा और समझने के लिए आप विकीपीडिया पे पेज रैंक का पेज भी पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रैकबैक्स और लिंकबैक्स किस तरह इफेक्ट करते हैं आपकी ब्लॉग ट्रैफिक को। थर्ड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू पोस्ट टू माय ब्लॉग फ्रॉम माय सेल फोन। यस इट इज़ पॉसिबल, डिपेंड्स ऑन योर सेल फोन एंड इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेयर, बिकॉज सेल फोन से ब्लॉग पोस्ट लिखना इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क, और उसके ऊपर आप वैसी फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकते जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं, तो अनलेस यू गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट यू कैन ट्राई ब्लॉगिंग फ्रॉम योर सेल फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन आई इंक्रीज माई पेज रैंक एंड इज दैट रियली लिंक टू माई ब्लॉग ट्रैफिक। ऑब्वियसली आप अपना पेज रैंक बढ़ा सकते हैं जितने आपको लिंक्स बैक्स आएंगे अच्छी साइट से, और जितने सर्च इंजन से ट्रैफिक आएगी उससे आपका लिंक बैक बढ़ सकता है, और जितने अच्छे आपको ट्रैफिक बैक्स और लिंक बैक्स आएंगे उतनी आपकी जो सर्च इंजन पे रैंकिंग होती है रिजल्ट्स वो भी इम्प्रूव होती रहेगी, और पेज रैंक से आपके जो सर्च इंजन रैंकिंग्स होती हैं रिजल्ट्स में वो भी बहुत इफेक्ट करती हैं। जितना अच्छा पेज रैंक होगा उतने आपके ऊपर रिजल्ट्स में आएंगे, और इससे आपकी सारे ब्लॉग ट्रैफिक भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट गूगल पे बहुत शुरू में आ रहे हैं तो इससे सर्च इंजन से जो ट्रैफिक होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परमालिंक्स आर द बेस्ट फॉर अ ब्लॉग दैट इज अपडेटेड डेली, डज इट मैटर। परमालिंक्स और डेली अपडेशन का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। परमालिंक्स जो हैं बेस्ट ये होते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल है आपके डोमेन नेम के बाद आए, जैसे मेरा है iThinkDiff.com/ फिर टाइटल ब्लॉग पोस्ट का, उसका अपडेट होने से कोई ताल्लुक। आपकी न्यूज़ ब्लॉग है तो आपको ज़ाहिर है रोज़ाना अपडेट करना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी अगर आप न्यूज़ आधी न्यूज़ कवर करें और आधी ना करें, उससे मतलब परमालिंक से कोई लेना देना नहीं, परमालिंक से लेना देना नहीं, चाहे आप पे कुछ भी रखें आपकी ट्रैफिक ज़्यादा लिख रहे हैं तो अच्छा है। एक मेथ है वो कहा जाता है कि अगर आपके कोई उसमें डेट है तो आपको फ़ायदा होगा कंटेंट के टाइमिंग से, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज जो डेट होती है पोस्ट की वो अलग फॉर्मेट में से होती है, गूगल को पता होता आपने पोस्ट किस डेट को लिखी थी, वो URL में नहीं देखता डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बेस्ट एड पोजीशन ऑन अ ब्लॉग। ये नॉर्मली जो देखा जाए तो आपके कंटेंट के अंदर एड्स ब्लेंड होने चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऑब्वियस हैं और बिल्कुल स्पैमी लुक दे रहे हैं। एक डिसेंट कलर, जो कलर आपके लिंक के साथ मैच करता है वो आप कंटेंट के अंदर रखें। कंटेंट के यूज नॉर्मली ये होता है ऊपर ऐड होता है और नीचे, और साइड बार पे कुछ लोग एड्स रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपनी ब्लॉग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके ज़्यादा रेवेन्यू किस तरह जनरेट होता है। ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, ब्लॉग साइजेस पे भी डिपेंड करता है, आपका स्पॉन्सर अवेलेबल है, कौन से यूज़ कर रहे हैं, आपका लेआउट कैसा है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डोमेन शुड आई हैव, डज .pk और .org हैव एन इंपैक्ट ऑन पेज रैंक। बेस्ट डोमेन नेम कंसिडर किया जाता है .com वाला, बिकॉज इट्स यूनिवर्सली नोन लाइक .com वेबसाइट्स आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। .org और .pk भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका पेज रैंक आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अच्छा लिखें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर .com या डोमेन नेम पे।
तो पेजरैंक का इफेक्ट नहीं होता डोमेन नेम, या इट्स नॉट रिलेटेड, बट प्रिफर ये किया जाता है अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं तो डॉट कॉम होगा, मगर अगर आप लाइक लोकली पाकिस्तानी विजिटर्स के लिए लिख रहे हैं तो डॉट पी के इज़ ऑल्सो गुड डोमेन फॉर दैट। डॉट ओ आर जी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, तो इट्स नॉट राइट रियली वेल सूटेड फॉर अ ब्लॉग। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन प्लीज़ ई मेल देम टू अस और लीव देम इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर देम इन द नेक्स्ट एपिसोड। Till then, this is Umair and this is Imran and you're watching Park Crunch. जदुन तुम्हें सबसे अच्छा फास्ट फूड कौन सा लगता है? यार मैं सिर्फ MC Donald's खाता हूँ।